हेलो गाइस, मैं हूं आशु और आप सब देख रहे हैं आशु गेमिंग यूट्यूब चैनल। यार स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में, और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने वाला मेरा हर एक भाई बहन बिल्कुल मजे में होगा। गाइस, आप अगर फ्री फायर प्लेयर हो तो आपको पता होगा कि हमारा फ्री फायर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और ब्रांड एम्बेसडर से कोलैब करता ही रहा। लेकिन गाइस, आज मैं आपको फ्री फायर के छोटे मोटे नहीं, सबसे बड़े 5 कोलैबोरेशन के बारे में बताऊंगा। तो यार आज की वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है, तो चलो यार बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, इस लिस्ट में 5वें नंबर पर जो कोलैब आता है वो फ्री फायर ने किया था अपने ऋतिक रोशन के साथ, जो अपने इंडिया के एक बहुत बड़े एक्टर है और अपनी फिटनेस की वजह से जाने जाते हैं, और इसीलिए फ्री फायर ने इनसे कोलैब किया था। और इनके कैरेक्टर को गेम में लाने के लिए उसको जय कैरेक्टर नाम दिया गया था, जिसको रिलोड से रिलेटेड कोई कैरेक्टर स्किल दी गई थी। लेकिन उसका लुक खराब होने की वजह से ये चीज ऋतिक रोशन को पसंद नहीं आई, क्योंकि ये एक बड़े सेलिब्रिटी की बहुत बड़ी बेइज्जती है, और इसीलिए फ्री फायर ने इसको फेयरवेल पार्टी देकर गेम से रिमूव कर दिया। तो गाइस, इस लिस्ट में 4th नंबर पर जो कोलैब आता है वो फ्री फायर ने किया था हमारे रोनाल्डो के साथ, और इनके कैरेक्टर को गेम के अंदर क्रोनो नाम दिया गया था, और इस कैरेक्टर की शील्ड वाली स्किल के कारण फ्री फायर प्लेयर्स को ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा पसंद आया था। फिर पता नहीं फ्री फायर को इस कैरेक्टर में ऐसा क्या खराब लगा कि इसकी कैरेक्टर स्किल्स को ही बेकार कर दिया, और फिर धीरे धीरे इसके लवर्स भी दिन ब दिन कम होते गए। और रोनाल्डो पुर्तगाल कंट्री से बिलोंग करते हैं और एक ये बहुत ही सेंसिटिव आदमी है। तो गाइस, इस लिस्ट का 3rd नंबर का जो सबसे बड़ा कोलैबोरेशन आता है वो फ्री फायर ने किया था अपने BTS के साथ। ये 7 बॉयज का ग्रुप है जो अपने K-pop बैंड के लिए जाने जाते हैं, और ये कोरियन कंट्री से बिलोंग करते हैं। इनसे कोलैब करते टाइम फ्री फायर गेम के अंदर कोई कैरेक्टर तो नहीं ला सकता था, क्योंकि ये 7-7 थे और 7 कैरेक्टर गेम के अंदर लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और इसीलिए फ्री फायर ने इनके स्टेप से इंस्पायर होकर गेम के अंदर बहुत सारे इमोट्स लेकर आया, और BTS से कोलैब करके उनके बहुत सारे बंडल्स को भी गेम के अंदर इंट्रोड्यूस किया था, और ये भी एक फ्री फायर का बहुत बड़ा ग्लोबल कोलैबोरेशन माना जाता है। तो गाइस, इस लिस्ट में 2nd नंबर पर जो सबसे बड़ा कोलैबोरेशन आता है वो है DJ आलोक का कोलैबोरेशन। इस कोलैब को आप फ्री फायर का सबसे फेमस और सक्सेसफुल कोलैबोरेशन भी बोल सकते हो, क्योंकि आज से कम 3 साल पहले फ्री फायर ने आलोक से कोलैब किया था, लेकिन आज भी फ्री फायर में आलोक की उतनी ही वैल्यू है जितनी आज से 3 साल पहले थी। और DJ आलोक ब्राजील कंट्री से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने अपने कोलैबोरेशन के सारे के सारे रुपए एज अ चैरिटी फंड इन्वेस्ट कर दिए, और इससे पता लगता है कि ये दिल से कितने अच्छे हैं। तो गाइस, इस लिस्ट में 1st नंबर पर जो कोलैबोरेशन आता है वो फ्री फायर अपनी 5th एनिवर्सरी मतलब 27 अगस्त को जस्टिन बीबर के साथ करने वाला है, जो एक बहुत बड़े कैनेडियन सिंगर है, और इनके बारे में हर एक इंडियन तो जानता ही होगा, क्योंकि ये अभी 28 साल के ही हैं और ये पूरे वर्ल्ड में अपनी सिंगिंग के लिए फेमस है, और इनसे इनके लुक को देखकर फ्री फायर जे वाइब्स नाम का कैरेक्टर गेम के अंदर लेकर आ रहा है, जिसकी कैरेक्टर स्किल्स आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगी और लुक आपको DJ आलोक से भी अच्छा देखने को मिलेगा। तो यार चलो, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जाते जाते यार कमेंट करके ये बताते जाना कि आपको इन 5 कोलैबोरेशन में फ्री फायर का सबसे अच्छा कोलैबोरेशन कौन सा लगा। और यार अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर देना, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और आपको भी फ्री फायर रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। तो चलो यार, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।